हे गाइस, आई एम सुमन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हेयर डंक करके आपको दिखा रही हूँ और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज भी मैं कॉम्बिंग वीडियो डाल रही हूँ, दो वीडियो डाली हूँ एक साथ। तो प्लीज़ लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो आज मैं जो रेसिपी बताऊँगी आपको, वो करेले की रेसिपी है और एकदम नया तरीका हमारे गाँव के तरीके से मैं बताऊंगी। और इस रेसिपी को देखने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए।
तक चला जाएगा लाइट। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई रिक्वेस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड एंड टेक केयर, आई लव यू, बाय। तो आज जो रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ वो करेले की रेसिपी है फ्रेंड, और ये बहुत ही यूनिक तरीके से मैं बता रही हूँ, हमारे गाँव में जैसे बनता है वैसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखिए और इन्जॉय कीजिए हमारे वीडियो को। और इसके साथ मैंने एक प्याज भी चॉप कर लिया है। तो देखिए अक्सर करेला कड़वा होता है फ्रेंड, तो बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ उससे आपके बच्चे भी खाएंगे और कड़वाहट भी कम हो जाएगा। तो देखिए मैंने काट लिया है और मैं बीज नहीं डालती हूँ, बीज निकाल देती हूँ। और ये नमक और हल्दी मैं इसमें मिला के और इसे 20 मिनट के लिए इस तरह से ढक के रख दूँगी। और फ्रेंड्स आप इस तरीके से प्लीज़ एक बार बना के देखिएगा, आपके करेले में एक अजीब स्वाद आ जाएगा और थोड़ा सा भी कड़वाहट नहीं लगेगा। तो देखिए मेरा 20 मिनट हो चुका है और मैंने सरसों का तेल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल, और यहाँ पे मेरा करेला भी एक है। तो मैंने सरसों के तेल में मेथी दाना डाला है, आप फिर से सुन लो, मेथी दाना मैंने डाला है। मेथी दाना डालने से इसमें सोंधापन आ जाता है। और मैं अपने एकदम गाँव के तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें करेला डाल दूँगी और इसे लो फ्लेम कर दूँगी। और इसके बाद मैं प्याज भी इसके साथ ही डाल दूँगी तुरंत, जब मैं करेला डालूँगी इसके तुरंत बाद ही मैं प्याज भी डाल दूँगी। और इन सबको मुझे एक साथ मिक्स करके और थोड़े देर के लिए इसे ढक दूँगी और फ्लेम को लो कर दूँगी। इसके बाद देखिएगा आप करेला कितना अच्छा बन के तैयार हो जाता है। और एक बार इस तरह से ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे, थोड़ा सा भी इसमें कड़वापन नहीं लगता है और बहुत जल्दी ये फ्राई भी हो जाता है फ्रेंड्स, एकदम लाल टाइप से ये फ्राई हो जाएगा। तो देखिए मैंने बार बार दो तीन बार इससे पहले भी आपको दिखाया नहीं, मैं चलाई हूँ और फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। लो फ्लेम पे ही इसे ढक ढक के आप पकाइए और देखिए एकदम करेला हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी करेला बहुत शरीर के लिए अच्छा होता है। तो हमारा करेला एकदम डन है, हम निकाल देते हैं, सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से एक बार करेला ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चे भी खाएंगे, सभी लोग पसंद करेंगे आपके घर के और खुश हो जाएंगे। और इसे दाल चावल रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, थोड़ा सा भी इसमें कड़वापन नहीं लगेगा। तो कैसा लगा आज का हमारा ये करेले की रेसिपी का वीडियो और हेयर डंक का वीडियो, दोनों के लिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, रेसिपी के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही रेसिपी बना के दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैं इसके साथ रोटी बना रही हूँ, तो बहुत से हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप रोटी नहीं कभी बना के दिखाई हो। तो देखिए फ्रेंड्स मैं रोटी बनाती हूँ बट आप लोगों का कमेंट आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो आप लोग रेसिपी के लिए भी प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, मैं ज़रूर आप लोग को रेसिपी बना के दिखाऊँगी। तो फिर यहीं तक था हमारा आज का वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए सदा, स्वस्थ रहिए।